हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी गाइस, सुबह हो चुकी है, बच्चे भी उठ गए हैं और ये देखिए आयरा कैसी लग रही है। तो और सब खैरियत से है ना, आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, मैं ना नाश्ता बना कर लेकर आ गई हूँ। वैसे तो सुबह में मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पी रही हूँ, गर्मी के मारे मन नहीं करता है। गर्मी में बहुत हो रही है, अगर मतलब करता है तो कभी कभी पी भी लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी पीती। तो बस बच्चे आयरा कह रही थी कि मैं अंडा खाऊंगी, तो ये देखिए आयरा के ने आमलेट बना दिया है फ्राई, और खिजरा और मैं तरबूज खाएंगे ठंडा ठंडा। तो जी गाइस, चाय वगैरह का मन नहीं है ना, तो इसलिए मैंने अपने लिए और खिजरा के ने काट लिया है तरबूज ठंडा ठंडा, और आयरा खाएंगी ये ब्रेड। और चलिए मैं बच्चों को जो है नाश्ता करवा देती हूँ, फिर उसके बाद घर का काम वाम करूँगी। और आज बच्चों की जो है सिपाही की है छुट्टी, हिंदुस्तान जी गई गई है। बस थोड़ी तबीयत भी बस ऐसे ही है। तो चलिए करते हैं फटाफट से नाश्ता, फिर घर के काम काज से निमट के फिर मिलेंगे हम आपसे। तो जी गाइस, देखिए मेरा काम वाम हो चुका है, बच्चों को भी नहला धुला के रेडी कर दिया था मैंने, और इनके पापा जो है अभी आए हैं, और ये कचौरी दाल वाली और पूरी लेकर आए हैं। और ये कल जो ब्रेड पकोड़े लाए थे ना, उन उसकी सब्ज़ी है बहुत अच्छी होती है, वो उतनी अच्छी नहीं है। और ये खरबूजा ठंडा ठंडा मैंने रख लिया है, तो मैंने कहा चलो खा लो, 3 बज रहे हैं, ये भी आ गए। तरबूज नहीं है, खरबूजा। तो चलिए खाते हैं, और मेरी भी बस हालत थोड़ी सी डाउन है, चक्कर आ रहा है मुझे, तो चलिए। और कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं मैंने, खाते हैं। तो जी गाइज, मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया था खाना खा रहे थे, मतलब वही कचौरी वगैरह खाई थी। तो फिर उसके बाद आ गई थी सकीना बाजी, तो वो इनके पापा को ले गई थी फ्लैट पे जो हमने लिया है, वहाँ पर हो गया था काम। अभी मैं फ़िलहाल वहीं जाऊँगी, मैं नहा तो ली थी, देखिए बाल वाल कुछ नहीं बनाए हैं, कैसी हो रही हूँ। अभी मैं बाहर से आई हूँ क्योंकि इनके पापा से है ना मेरे फ़ोन का चार्जर टूट गया, चार्जिंग पे फ़ोन लगा हुआ था, इन्होंने एकदम से है ना, इनको पता नहीं था चार्जिंग पे फ़ोन है, इन्होंने जो पकड़ मतलब उठाया ना, तो वो चार्जर का जो जेब होता है ना, तो उसमें ही लगा रह गया फ़ोन के अंदर, फिर उसको निकलवाया। अभी चार्जर लेकर आए, मतलब टाटा केबल लेकर के आए हैं दूसरी। और बच्चों के लिए जो है, बच्चे आ गए थे पढ़कर, बच्चों को लग रही थी भूख, तो थोड़ी यहाँ पर शाम का जो है, तो इनके पापा लेकर आए हैं बच्चों के लिए चाउमीन, शाम का नाश्ता, और ये मोमोज, और आयरा के लिए फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि आयरा खाती है। और ये देखिए सब चीज़ें रखी हुई हैं, क्या कह रही हो, बहुत चटपटे। और अभी इनके पापा नहाए धोए भी नहीं है, कुछ नहीं करा है, क्योंकि ये हम खाएंगे। और मुझे फ्लैट पर जाना है क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वहाँ की धुलाई वगैरह भी करनी है, अभी वहाँ पे पेंट वगैरह भी होगा। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ी बहुत जैसे साफ सफाई कर लेंगे जाके, बच्चों को भी ले जाऊँगी। और खाने का मतलब क्या है, कुछ बनाऊँगी नहीं, कल सालन बनाया था वो भी रखा हुआ है, और जो है रोटी बाजार से आ जाएगी क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही, तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए खाते हैं अपने ये, फिर हम जाते हैं वो फ्लैट पर। तो जी गाइस, हम जो है फ्लैट पे गए हुए थे अपने दूसरे वाले पर जो हमने लिया है, और वहाँ जाके मतलब एक रूम की मैंने सफाई करी, और जो है पूरा रूम साफ, मतलब जाले साफ़ करने वाला झाड़ा ले गई थी, उससे पूरी छत वत साफ वाफ करी, झाड़ा वाड़ा मैंने। और फिर उसके बाद से जो है हमने रूम की धुलाई वगैरह भी करी, किचन की इन्होंने करी, अब उसके अंदर जो है पेंट होना है। और वहाँ की अपने आप ही लाइट उड़ गई, क्योंकि वहाँ पर है ना अपना आप जलते जलते पता नहीं क्या हो गया, पूरे फ्लैट की लाइट उड़ गई। अब पहले ना वहाँ की लाइट सही होगी कल, फिर उसके बाद से जो है पेंट होगा, फिर जब रखेंगे सामान, क्योंकि परसों खुजरा का बर्थडे भी है, और कैसे करेंगे क्या करेंगे अल्लाह मालिक ही है। तो हम अभी आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने खाना नहीं बनाया था, और वही कल का चिकन था जो कौरमा मैंने बनाया था सालन वो भी था। और जो है वहाँ से आने के बाद इनके पापा नहाए, मैं तो नहाई भी नहीं अभी, फिर ना खाना वगैरह खाया, तो कोई आ भी गया था, तो फिर उनसे मतलब बातचीत करी, उनको चाय बना के पिलाई। और जो है अभी मैं चाय बना कर लेकर आई हूँ, बर्तन धुल चुके हैं, और मैं भी थोड़ा नहा के ही लेटूँगी, थोड़ी थकान उतर जाएगी।
और जैसा भी होगा मैं बताऊंगी। ये देखिए चाय, बस मैं थोड़ी सी चाय पीऊंगी, आज पूरा दिन हो गया क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है। राम मंदिर वो सब ले थे। हाँ सब बढ़िया, हमारे लिए भी दुआ करो आप लोग। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हम लोगों को, थोड़ी सी परेशानी आई थी, अल्लाह ताला परेशानी दूर करे सबकी। आमीन। और जो है अब पीती हूँ चाय, मैंने सुबह में भी नहीं पी थी, थकान मुझे भी बहुत हो रही है। फिर चाय के बर्तन धोऊंगी और जो है चलिए आज का ब्लॉग जो है इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। देखती हूँ कल बनाती भी हूँ नहीं बनाती, क्योंकि फिर दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा। और दुआ में याद रखिएगा, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और ब्लॉग अच्छे हैं तो दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। और दुआ कीजिए कि मतलब जल्द से जल्द अपने शिफ्ट वगैरह हो जाए। फिर बकरीद भी आ रही है क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ का भी, फिर वहाँ का भी बहुत ज़्यादा, टांगों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।